ये देख लें पूरा वजूद देख लें भाई इसका, और बहुत ही अच्छी वजूद की मानदा है, पैन ही मानदा है भाई, और बहुत ही बेहतरीन जोड़ा लगा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। और उसके कराते हैं पहले आग का शौक, ये देखें ये देखें, ये भी मानदा है कितनी बेहतरीन वजूद की है। और उसका रिंग दे सकते हैं भाई, आप खुद दे सकते हैं कबूतरबाज अगर हैं तो, बेहतरीन पैन ही मानदा है और अच्छे बच्चे निकाले ये भी। और एक नस्ल से करीब 10-12 पट्टे निकाले हमारे डॉक्टर जी ने, और अच्छे करीब 10 पट्टे हैं भाई ललदमों के। जिस भाई को लेना है हमारे राठौर जी जो रही में रहते हैं लहरिया प्रवाह में, ये देख सकते हैं ललदमों की भरमार है भाई, एक से गजा कबूतर है, इधर गूंज रहा है ललदमा, उसी के पट्टे हैं भाई जिसको हमने दिखाया था आपको भाई, आप इसका शौक करें। लेकिन सारे ललदमे हैं, कितने बेहतरीन कबूतर है, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन मस्ती में चल रहे हैं कबूतर। और अभी आपको पकड़ शौक कराते हैं, ये देखिए सारे ललदमे भाई हैं और अच्छी ब्रीडिंग चल रही है भाई। और अब इसका शौक ये देखिए सारे ललदम पकड़ दिया हमारे, पकड़ ले जाएंगे भाई। और देख सकते हैं ललदमे जिस भाई को लेना बेहतरीन कबूतर है, अच्छे कबूतर है वजूद के, और सेटअप बहुत प्यारा बनाया है भाई और दिल खुश कर दिया है। अब हम आपको बाहर से पूरे सेटअप दिखाते हैं राठौर जी का, और ये पूरे सेटअप है हमारे राठौर जी का, देख सकते हैं कितना बेहतरीन कितना बड़ा सेटअप बनाए हुए हैं, दूर से देख लें, ये हमारा राठौर जी है। और आप थोड़ा ये बताएं राठौर जी कि आप कहाँ से ये नस्ल ले आए थे और कैसे बनी ये नस्ल, तो आप ज़रा मुझको बताएं और हमारे व्यूवर्स को। और ये हमारे राठौर जी अच्छा इनको ज्ञान है और अच्छी टिप्स देते हैं भाई, तो ये कहाँ से बनाए आपने ये ललदमे में? इसके लिए हम स्टार्टिंग में एक हम दो मादाएँ थी हमारे, अच्छा दो मादाओं से फिर बाकी कुछ हमारे पास कलमेंट ले थे जी, तो जो ललदमे बच्चे थे, अच्छा अच्छा अच्छा, दो मादाओं से और बाकी खुद के जो है कलमे से हमने इनको क्रॉस करा के तो पूरा खानदान उसी से बनता है। तो करीब आपके पास इतने टाइम 10-12 पट्टे हैं करीब, है कम से कम 10-12, और राठौर जी के पास हमारे 10-12 पट्टे हैं। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हैं राठौर साहब के घर पर, और जो बहुत ही अच्छे कबूतरबाज है, और आज हम आपको कराएंगे इनके जो ललदमे कबूतर है और बहुत ही बेहतरीन कबूतर माशाल्लाह, और उनके कबूतर शौक कराएंगे। और ये रहे हमारे राठौर साहब, और राठौर साहब बढ़िया, और कैसे चले कबूतरबाजी? बस बहुत बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है आज हमारी छत पे। और ये राठौर साहब हमारे बहुत ही बेहतरीन इंसान है माशाल्लाह, और आज इनको कराएंगे कबूतरों का शौक, और ये पूरे में और जो कबूतर दिखाएंगे आपको आज ललदमे पेवर ललदमे भाई, बहुत ही बेहतरीन ब्रीडिंग चल रही है हमारे राठौर साहब की, और खासतौर से आज इनके घर पर आए हुए हैं, काफ़ी लोगों कमेंट आया है कि राठौर के कबूतर कबूतरों को ललदमे कबूतरों को शौक कराएं, और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कबूतरबाज हैं। तो हम आपको कराते हैं पूरे कबूतरों का शौक पहले, तो मिलते हैं लास्ट में। तो ये देख लें भाई पहले ये कबूतर पूरा पड़ा है, कुछ सांझेपुरी हरे हैं बस, बाकी सारे ललदमे हैं, देख सकते हैं एक ही ब्रीडर के कबूतर के इतने पट्टे निकाले हैं हमारे राठौर भाई ने। और अभी हम आपको पकड़ा कर शौक कराएंगे माशाल्लाह, और सेटअप देख लेना का बेहतरीन सेटअप बनाया है, कुछ कबूतर ये बैठे हैं देख सकते हैं कितने नायाब कबूतर हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग चल रही है और अच्छी ब्रीडिंग करा रहे हैं हमारे राठौर साहब, और अच्छे कबूतरबाज है और काफ़ी अच्छे इंसान है, और ऐसा नहीं है भाई, मोहब्बती इंसान है बहुत ही। और आपको कराते हैं पकड़ कर शौक अभी, और ये उरई में रहते हैं, कौन ये लहरिया प्रवाह में रहते हैं भाई, और इनके पास जितने ललदमे हैं शायद किसी के पास हो, और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग चल रही है इनकी, और कबूतर काफ़ी देख सकते हैं माशाल्लाह एक्टिव कबूतर है, और सारे ललदमे हैं भाई, तो हम आपको पकड़ कर शौक कराएंगे, एक से एक बेहतरीन और नायाब कबूतर डाले हैं। ये देखो कितना बेहतरीन नज़ारा है, और अच्छा कबूतर बैठा है, यहीं से कबूतर ऊपर चला जाता है, और सेटअप अभी बाहर से भी दिखाएंगे, और बहुत ही नायाब कबूतर है। तो वीडियो को उसकी मत करना भाई, तो वीडियो को देखें लास्ट तक, ये देखें ललदमों की भरमार है भाई। और ये देखें बच्चे, ये ब्रीडिंग चल रही है, ये बच्चे निकला है जस्ट अभी, और बहुत ही प्यारा पट्टा निकला हुआ है भाई, तो ये बड़ा होकर अपने कमाल दिखाए, ये बैठे हैं भाई देखो, और ये माशाल्लाह, और दिखाते हैं पकड़ कर शौक, तो ये पुरानी ललमों की जोड़ है। अच्छा अच्छा, ये हमारे हाथ में मादी है, पहले मादी का शौक आपको माशाल्लाह। ये राठौर भाई हमारे खुद शौक करा रहे हैं, ये हमारे पूरे पैर देख लें, ये देख लें राठौर साहब ये करा रहे हैं पैर माशाल्लाह शौक पूरा, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कबूतरबाज हैं, ये फर्स्ट है भाई ब्रीडर कबूतर, इसी के पट्टे दिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन पेपर ललदमे में निकल रहे हैं। और अभी कराते हैं मादा का शौक, ये देख लें मादी का शौक करेगा, मादी देखिए इसका बदूर, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये देखें ये रही मादी, ओहो इसके यहाँ का शौक ऐसे ही करें, ये देखें, और काफ़ी बेहतरीन मादा है, और अच्छी मादा वजूद की मादा है, और हमारे राठौर भाई खुद शौक करा रहे हैं,
माशाल्लाह देख लें इसका पूरा वजूद दिखाएं पहले, ये देखें माशाल्लाह लाल दुम में है पेवर, और अच्छे बच्चे निकाल लिए, पेवर बच्चे निकल रहे हैं भाई बिल्कुल। और अभी बच्चों को भी शो कराएंगे, काफ़ी चुस्ती और फुर्ती वाले कबूतर है माशाल्लाह देख रहे हैं। मादा कितनी बड़ी मादा है, और इसके साथ कन्नर भी दिखाएंगे, देखें कल में आप देख सकते हैं लाल और सफ़ेद है, और बच्चे बेहतरीन लाल दुम के निकल रहे हैं माशाल्लाह, और पूरी पूँछ खोल के दिखाएं टैल, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें लाल आप अलग ही दिखेगा, ये देखें माशाल्लाह क्या बेहतरीन नज़ारा है, एक नंबर कबूतर है। और ये हमारे राठौर साहब खुद शौक करा रहे हैं, बहुत अच्छे कबूतर आवाज है, और अब कराते हैं इसके नर का शौक, ये देखें ये सलमान मलिक के साथ में नर लगा हुआ है, डार्क जड़दुम नर है। अरे माशाल्लाह बहुत बढ़िया लाल दुम का नर लगा हुआ है ये राठौर भाई बता रहे हैं कि तो लाल दुम का बेहतरीन पैर लगाया है, पूरा बेहतरीन, और देख कर लगाया है, अच्छे बच्चे निकाल रहे हैं, और नर जरूर थोड़ा चीट में है, मगर बच्चे एक ना पेवर निकाल रहे हैं, उसको उसका भी शौक कराएंगे भाई आप, आप यकीन नहीं करेंगे कितने बेहतरीन पट्टे निकाल रहे हैं, बिल्कुल साफ होके बिल्कुल उनको प्लेन अच्छे हाँ बिल्कुल भाई आप नर दे सकते हैं, मगर बच्चे एकदम प्लेन निकल रहे हैं, ये हमारे राठौर साहब को कहना है, बच्चे हम खुद देख रहे हैं भाई, तो उसका शौक कराएंगे, देखिए इसकी भी आपका शौक करें, ये देखें माशाल्लाह पकड़ें, ये देखें इसकी भी आपका शौक करें, बहुत ही बेहतरीन वजूद कबूतर है, और राठौर भाई जरा पकड़ें, ये देखें अच्छी वजूद कबूतर, ये आँख देखें बेहतरीन उड़ा कबूतर है, और अच्छा प्रवास करता था अपने ज़माने में भाई, और अब इसकी उम्र हो चुकी है, तो ये पट्टी निकाल रहे हैं बेहतरीन, तो और बहुत ही बेहतरीन शौक करा रहे हैं हमारे राठौर भाई, और इसके पंजों को शौक करा रहे हैं, पूछ तो देख ले भाई एक बार, पूछ जड़ दम लाल है भाई नीचे तक, और इतनी बहुत कम किसी की होती है, थोड़ी बहुत एक दो पत्ती होती है फिलहाल, मगर ये देख सकते हैं माशाल्लाह, और ये देखें धीरे धीरे ये देखिए भाई, ये पूरी वजूद की मादा है, और ये पूरे पैर हम छोड़ दे रहे हैं इसके पास, ये देखिए माशाल्लाह ये मादा है, और ये नर है, ये मादी है, और ये भाई देख सकते हैं ये नर है, और ये मादा है, और देख सकते हैं कितनी खतरनाक जोड़ा है, आप देख नहीं सकते, आप समझ रहे हैं कि ये नर हो सकता है, ये मादा हो सकती है, मगर उल्टा है, मादा कितनी बड़ी वजूद की देख सकते हैं भाई, और बच्चे बहुत ही प्यार निकाल रही है, और देख सकते हैं इसी के पट्टा ये बैठा कितना पहना है, एकदम सफ़ेद वाइट में है भाई, और लाल पूरी पूंछ, एक पट्टा ये बैठा है, और एक पट्टा ये बैठा है, बेहतरीन लाल में है भाई, पूरी बेहतरीन निकल रहे हैं लल्लू में, और अच्छा शौक करा रहे हैं, और अभी हम आपको ये देखें कोई चढ़दम लाल है भाई, ऐसी बात नहीं है, और ये देखें बेहतरीन पट्टे निकाल रहे हैं, और पूरा पैर ये आप देख सकते हैं, और लल्लू में की भरमार, जिस भाई को लेना हो तो मिल भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, राठौर साहब से संपर्क कर लें तो हम आपको नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन पर, और ये बैठे हैं देखो सारे पट्टे कितने लाजवाब बैठे हैं लल्लू में, ज़्यादातर लल्लू में पकड़ा दिखाएंगे भाई, बहुत देर में आ रहे हैं पकड़ाई में, और ये बैठे हैं राठौर साहब अभी कबूतर इस तरफ करेंगे, और ये देखिए कबूतर अंदर आ रहा है, अच्छा सेटअप बनाया, और डंडे से करेंगे अभी नीचे आएंगे कबूतर, बहुत ही बेहतरीन सेटअप और नायाब सेटअप बनाए हुए हैं हमारे, और ये देख सकते हैं लल्दू में करीब 10 पट्टे हैं भाई लल्दुमों के, जिस भाई को लेना है हमारे राठौर जी जोरई में रहते हैं लहरिया पुरवा में, ये देख सकते हैं लल्दुमों की भरमार है भाई, एक से गजा कबूतर है, इधर गूंज रहा है लल्लुमा, उसी के पट्टे हैं भाई जिसको हमने दिखाया था आपको भाई, आप इसका शौक करें, देखिए सारे लल्लुमे हैं कितने बेहतरीन कबूतर है, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन मस्ती में चल रहे हैं कबूतर, और अभी आपको पकड़ शौक कराते हैं, ये देखिए सारे लल्लुमे भाई हैं, और अच्छी ब्रीडिंग चल रही है भाई, और आप इसका शौक करें, देखिए सारे लल्लुमे पकड़ दिया हमारे जी, पकड़ लो ये देखिए भाई, ये है नर, और बहुत ही बेहतरीन वजूद कबूतर है, दिल खुश कर दिया है भाई माशाल्लाह, और आप इसकी आँख का शौक करें जरा, ये देखिए भाई इसकी आँख देख लें, और अच्छा कबूतर है, आप इसकी पूरी मुकम्मल रंग देख लें, और गुलाबी चोंच गुलाबी पंजे के बहुत ही बेहतरीन नायाब कबूतर है माशाल्लाह, आप इसका शौक करें, क्या दिल खुश कर दिया है भाई राठौर साहब ने आज यहाँ आकर, और बहुत ही अच्छे कबूतर पाले हैं भाई, पहले आए थे इतने बेहतरीन कबूतर नहीं थे, फिलहाल जितना कहेंगे उतना अपने आंखों से देख के गए थे भाई हम, और मगर आप कबूतर जो हैं तो बहुत ही जानदार कबूतर डालने देंगे, पर बल्ले शौक करें, ये देख लें पूरे पर फुल कबूतर हैं सारे, और हमारे संजीव जो राठौर साहब हैं बहुत ही अच्छे कबूतर डाले हैं लल्लू में, और अच्छी ब्रीडिंग एक ही इनने सोच लिया कि बस इसी की ब्रीडिंग निकालना है, तो उसी करा रहे हैं, और उसके पंजे शौक करें जरा, ये देखिए ये जामनी पंजों का कबूतर है माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा कबूतर है, और सारे चेक करे कबूतर है भाई, और उसकी ब्रीडिंग निकल रही है, तो आदमी खुद ही देख लेता है भाई कबूतर अच्छा है, और बैठने का स्टाइल खड़े होने का स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है, छोड़ दें इसको, ये देख रहे हैं अब कराते हैं मादा का शौक, ये रही मादा, ये भी देखें
बहुत ही बेहतरीन ब्रीडिंग चल रही है और भाई बहुत ही अच्छे कुछ कबूतर इनके यहाँ से कॉल करके भाई कबूतर बाज कबूतर ले गए इनसे और ये मना नहीं करते हैं, फिलहाल रख लेते हैं, एक आध जोड़ा दे देते हैं और जिस भाई को लेना हम संपर्क करें। अच्छे कबूतर डाले हैं जो हमारे, ये देख लें पूरा वजूद देख लें भाई इसका, और बहुत ही अच्छी वजूद ही मान रहा है, पैन ही मान रहा है भाई, और बहुत ही बेहतरीन जोड़ा ला रहे हैं हमारे राठौर साहब, और उसके कराते हैं पहले आकर साहब। ये देखें ये भी मान रहे कितनी बेहतरीन वजूद की है, और उसका रिंग दे सकते हैं भाई, आप खुद दे सकते हैं कबूतर बाज अगर हैं तो, बेहतरीन पैन ही मान रहा है और अच्छे बच्चे निकाले ये भी, और एक नस्ल से करीब 10-12 पट्टे निकाले हमारे राठौर जी ने, और अच्छे कबूतर बाज है माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया आज। और ये भी छोड़ दें और हम सुनना अंदर दी, ये देखें भाई ये पूरा पैर दे सकते हैं कितना बेहतरीन है, नर ये मादा है, ये नर ये बैठा है ऊपर, और इसकी और भी पट्टे दिखाएंगे आपको, बहुत ही चालाक पट्टे हैं ये देख सकते हैं आप, और जड़ दुम लाल में भाई मगर पकड़ने बहुत देर में आ रहे हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे करके दिखा पाएंगे जितना हो सकता है भाई, क्योंकि कबूतर बहुत तेज़ है और पकड़ने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ही तेज़ कबूतर है माशाल्लाह, और आपको कोशिश करते हैं ये जोड़ा और आपका पकड़ कर दिखाने का शौक। पट्टे जो हैं और पट्टे करीब 8-10 निकाल लिए भाई, आप देख सकते सारे पट्टे ये लल्ले में है भाई, और देख सकते सारे लल्ले में है, एक से पट्टा है ये देखने बैठा है, कुछ छोटे बच्चे हैं तो भाई पर झड़ा कर कुरीच में तो ये पूरे लल्ले में बन जाते हैं भाई, और कितने बेहतरीन कैसे पट्टे बैठे हैं, और भारतीय भी सेटअप दिखाएंगे हमारे राठौर जी का, और अभी ये जोड़ा वो पकड़ दिखाते हैं, तो ये देख लें भाई, और भाई पकड़ाई में नहीं आ रहे हैं क्योंकि कबूतर बहुत ही फारवर्ड है, तो इसलिए भाई पूंछ पूंछ खड़ जाए, इसलिए भाई आप ऐसे ही शो कर लें, और ये देख लें कितने जानदार कबूतर हैं सारे जड़ दुर में, इसकी देखो भाई हमारे राठौर साहब पकड़ लें तो थोड़ा पूंछ खड़ गई है हल्की सी, और ये देख लें सारे पैने कबूतर हैं, एक्टिव कबूतर हैं, और ये देखें कितने जानदार लल्लो में निकल रहे हैं भाई, और अच्छा सेटअप बनाए हैं हमारे राठौर साहब। ये मादी और ये भी मादी, ये सेल कर लेंगे, ये भी दो भाई देख सेल के लिए, जिस भाई को लेना हो बेहतरीन पट्टा निकल रहा है, और ये झड़ा कर अभी पर पूरे और लल्लमा बन जाएगा बेहतरीन, और अच्छे पट्टे हैं भाई, जिस भाई को लेना है हमसे संपर्क करें, और काफ़ी 3-4 पट्टे भाई अभी सेल के लिए हैं अर्जेंट में, तो जिस भाई को लेना है हमसे संपर्क करें, और अच्छा वजीद कबूतर है माशाल्लाह, देख सकते हैं लल्लमे ही लल्लमे भाई हर जगह, और ये कुछ हल्के में ये भी है, देख रहे हैं हल्के में कल लल्लमे हैं, सारे लल्लमे जितने भाई सभी आप देख रहे हैं सारे लल्लमे पट्टे हैं, और ये ब्रीडर है पुराना जोड़ा है, और ये देखें पट्टे बहते ये बड़े होकर इधर सफ़ेद हो जाते हैं भाई, कलमे लाल और पूंछ लाल, ये देख सकते हैं ये पट्टे कम्प्लीट हो रहे हैं, और दिल खुश कर दिए भाई आज राठौर साहब, ये कलमे देख सकते हैं, ये तो कलमे डले हैं फेवर, और ये बैठा है, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बैठी है वहाँ से लल्लमी कितनी जहर माना है, ये देखिए भाई बेहतरीन वजूद की माना है, ये इसका बच्चा है, बहुत ही बेहतरीन निकल रहा है भाई, और पूरी लाल हो जाती है, किसी की सलेटी पूछ निकल रही किसी की भी लाल होती है भाई, और ये लल्लमा ये है कल्लमा, और अच्छे ब्रीडर का कबूतर है, और दिल खुश कर दिए भाई, और हम आपको ये पट्टे जो हल्के में है, हाँ ये सारे पट्टे लल्लमे के भाई सेल के लिए सब बेहतरीन, हाँ पूरा लाल है डार्क में नहीं है, हाँ पूरा वो दिख रहा है, ये मादी है, ये सारे जो राठौर भाई बता रहे हैं, तो अच्छे कबूतर हैं, जिस भाई को लेना हो तो भाई आप इसको हटा कर और ये कबूतर डालें, आपको मज़ा आ जाएगा भाई, लल्लमे की बात ही अलग होती है, और दिल खुश कर दिया भाई, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कबूतर है माशाल्लाह, आप देख लें अच्छे बजे कबूतर हैं, तो अब आपको बाहर से सेटअप दिखाते हैं, देखो कुछ कल लल्लमे ये बैठे हैं, और ये सेल में है भाई, अच्छे बजे के कबूतर है, ये नई पट्टे बेहतरीन पट्टे हैं, बेहतरीन अभी पट्टे निकल रहे हैं, तो आप घर पे लग भी जाएंगे, और आप ब्रीडिंग चाहें तो कर सकते हैं आगे चल के, तो भाई अच्छे सेटअप बनाए हुए हैं, तो हम बाहर से आपको सेटअप दिखा दें, अच्छा अच्छा ये देखें भाई हमारे राठौर साहब खुद मुझे कह रहे हैं, और कितने बच्चे निकाले हैं राठौर इसके इसके कम से कम हजारों की संख्या में निकले, बहुत पुराना नर है, अच्छा 9-10 साल तो मैं ही आऊँ, तो भाई देख रहे हैं ये कितना ब्रीड है, और कल्लमा पुराना नर है भाई, और करीब काफ़ी बच्चे निकाल लिए हमारे राठौर जी ने, तो अच्छे बेहतरीन कबूतर है, बड़ा कबूतर है वजूद का, और अच्छे बच्चे निकालता है बेहतरीन, और अच्छे कल्लमा है, पंजे के शौक करें जरा, ये देखें भाई पंजे देख लें इसके, ये भी गुलाबी पंजों का कबूतर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा कबूतर है, छोड़ के दिखाएं जरा, ये देख रहे हैं भाई ये कल्लमा है, जिसे भाई को लेना संपर्क करें, अच्छे कल्लमा है भाई, ऐसी बात नहीं है, बड़े वजूद की कल्लमा है, बेहतरीन कल्लमा है, और आपको कबूतर सही रेट में लग जाएंगे भाई, और देख सकते हैं लल्ले में जिस भाई को लेना बेहतरीन कबूतर है, अच्छे कबूतर हैं वजूद के, और सेटअप बहुत प्यारा बनाया है भाई,
और दिल खुश कर दिया है। अब हम आपको बाहर से पूरे सेटअप दिखाते हैं राठौर जी का, और ये पूरा सेटअप है हमारे राठौर जी का, देख सकते हैं कितना बेहतरीन कितना बड़ा सेटअप बनाए हुए हैं, दूर से देख लें। ये हमारा राठौर जी है, और आप थोड़ा ये बताएं राठौर जी कि आप कहाँ से ये नस्ल ले आए थे और कैसे बनी ये नस्ल, तो आप ज़रा मुझको बताएं और हमारे व्यूवर्स को। और ये हमारे राठौर जी अच्छा इनको ज्ञान है और अच्छी टिप्स देते हैं भाई, तो ये कहाँ से बनाए आपने ये दल्द में? इसके लिए हम स्टार्टिंग में एक हम दो मादाएं थी हमारे, अच्छा दो मादाओं से फिर बाकी कुछ हमारे पास कल में डले थे जी, तो जो दल्द में बच्चे थे, अच्छा अच्छा अच्छा, दो मादाओं से और बाकी खुद के जो है कल में से हमने इनको क्रॉस करा के तो पूरा खानदान उसी से बनता है। तो करीब आपके पास इतने टाइम 10-12 पट्टे हैं करीब, है राठौर जी के पास हमारे 10-12 पट्टे हैं, और काफ़ी अच्छे कबूतरबाज हैं और अच्छे दिल के इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है, और अच्छा सेटअप बनाया है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये पूरे सेटअप अंदर से जाली के बाहर से आपको शो करा रहे हैं अभी, और सेटअप आपको दिखाया था बेहतरीन सेटअप बनाया खूब काफ़ी बड़ा लॉफ्ट का, और राठौर साहब काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और ये देख लें एक बार पूरा सेटअप, ये हमारा राठौर साहब है, और बहुत नीचे से ऊपर तक देख लें बढ़िया सेटअप बनाए हुए हैं और अच्छे कबूतर डाले हैं भाई, और दिल खुश कर गया है भाई। और आज हम खास तौर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हाँ तो बिल्कुल आके बैठे 3-4 घंटे कबूतर, हाँ अपने डंडी पे आ जाएगा, नीचे बैठेगा आराम से धूप से जी, काफ़ी कबूतर इसलिए फिट है ना, अरे हम लोग भाई पकड़ नहीं पा रहे कबूतर, इतना तेज कबूतर है, और देख सकते हैं सारे लल्द में भाई एक से एक बेहतरीन कबूतर डाले हैं, और दिल खुश कर दिया भाई, और ऐसे ही प्यार देते हैं, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।